इसराइल और हिजबुल्ला की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से युद्ध विराम के बीच में ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अब युद्ध विराम के बीच इसराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। इसराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद भी इजरायली सेना बिना रुके ताबड़तोड़ हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रही है। ताजा हमले में इसराइल ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो IDF ने एक बयान जारी कर बताया कि इजरायली हिजबुल्ला युद्ध विराम लागू होने के 3 दिन बाद इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के करीब 4 ठिकानों पर हवाई हमले किए और ये हमले काफी घातक थे। इस हमले को लेकर इसराइल की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ देखी गई थी, जिसके बाद ये हमले किए गए। IDF ने जानकारी दी कि बीते शनिवार को हमले किए गए जब उसने लेबनान में ऐसी गतिविधियों को देखा जो इसराइल के लिए खतरा थी और युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करती थी। एक मामले में IAF ने दक्षिण पश्चिमी लेबनान के तटीय शहर सिडोन में रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया जब उसने हिजबुल्ला के ठिकानों में आतंकी गतिविधियों की पहचान की। तो वहीं IAF ने एक वाहन पर भी हमला किया जिससे कुछ समय पहले सशस्त्र गुर्गों की ओर से RPG गोला बारूद के बक्से और दूसरे सैन्य उपकरणों से भरा हुआ देखा गया था। साथ ही इसराइल ने हिजबुल्ला के आतंकवादियों पर भी हमला किया जिनकी पहचान दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ढांचों के पास से आने वाले रूप में की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इजरायली सेना ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। IDF की ओर से आतंकवादियों के पास से ग्रेनेड बंदूक समेत हथियार बरामद किए गए। इजरायली एयरफोर्स ने जानकारी दी कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के रॉकेट निर्माण स्थल पर संचालित एक सैन्य वाहन पर भी खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया। आपको बता दें कि बीते बुधवार को युद्ध विराम लागू हुआ है जिसमें हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में युद्ध विराम की शर्तें तय की गई है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों पक्षों की ओर से कभी कभी उल्लंघन भी किए जा रहे हैं। इधर इसराइल ने गाजा में एक मिसाइल लॉन्चर साइट को भी नष्ट किया था। इसराइल ने जानकारी दी कि गाजा के डेर अलबाहा मानवीय क्षेत्र में दक्षिणी इसराइल को निशाना बनाने वाले मिसाइल लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया गया। हमले से पहले नागरिक हताहत के जोखिम को कम करने के लिए सटीक हथियारों, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी के इस्तेमाल समेत उपाय किए गए थे जिससे कि जनहानि कम से कम हो सके। युद्ध विराम के प्रभावी होने से ठीक पहले भी लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए थे जिसके बाद मिडिल ईस्ट में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। इस एयर स्ट्राइक का लक्ष्य हिजबुल्ला के तस्करी प्रयासों को खत्म करना था। इसराइल कई बार चेतावनी दे चुका है कि जो भी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों की मदद करने की कोशिश करेगा उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। आपको बता दें कि युद्ध विराम से पहले और युद्ध विराम के बाद भी इजरायली सेना लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रही है। अब देखना होगा कि युद्ध विराम कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।